हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा और प्रतिभा के चैनल मन भावन रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसा चाउमीन घर पर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 लीटर हम पानी लिए हैं। पानी को अच्छी तरह से खौलने देंगे। पानी हमारा खौल रहा है, अब उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे, जिससे हमारा चाउ आपस में चिपके नहीं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब ये हमने हक्का नूडल्स लिया है, इसे बीच से तोड़ के डालेंगे। ज़्यादा छोटे टुकड़े कर देंगे तो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे। हमारा चाउ अब पक चुका है, इसे एक बार चेक कर लेते हैं तोड़ के। देखिए आसानी से टूट जा रहा। अब इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो काफ़ी गल जाएगा। अब इसे हम छान लेते हैं एक स्ट्रेनर की सहायता से और इस पर ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, जिससे ये आपस में चिपके नहीं और इसकी कुकिंग रुक जाए। अच्छी तरह से ठंडे पानी को डाल के हम इसे छान लिए हैं। अब थोड़ा सा तेल लेंगे हाथ पे और चारों तरफ इसे फैला देंगे और अच्छे से लगा देंगे, जिससे ये आपस में चिपके नहीं, और एक थाली में निकालकर पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने 1 शिमला मिर्च लिया है कटा हुआ, 1 गाजर, ये हरे प्याज का सफ़ेद भाग, हरा प्याज, 1 टमाटर, अदरक थोड़ा सा, बंद गोभी, लहसुन और 2 हरी मिर्च। सबसे पहले 1 चम्मच हम तेल डालेंगे कढ़ाई गर्म होने पे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम अदरक डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं और गाजर डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। पत्ता गोभी डाल देते हैं। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल आधा मिनट इसे हम पकाएंगे। ये चाउमीन की रेसिपी हम एक सब्सक्राइबर की मांग पे लेके आए हैं। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे हमें क्रंची ही रखना है। शिमला मिर्च को हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब हम प्याज डाल देते हैं बारीक कटी हुई 1, इसे भी आपस में मिला देते हैं। बस इसे थोड़ा सा पकाना है हमें। सारी सब्जियों को लगभग आधा मिनट हमने पका लिया है। अब यहाँ पे 1 चम्मच हम चिली सॉस डालेंगे, 1 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस। आप चाहे तो यहाँ विनेगर भी डाल सकते हैं, आपस में मिला लेते हैं। हमने यहाँ पे विनेगर नहीं डाला है। अब अपने देखिए उबले हुए चाउ को हम डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे चाउ कितने अलग अलग हुए हैं, आपस में बिल्कुल नहीं चिपके हैं। हमने इसे मिलाने के लिए 1 फोक और 1 स्पून का यूज किया है। नमक डालेंगे, नमक थोड़ा संभल के डालिए, क्योंकि सॉस में भी होता और नमक थोड़ा सा हमने पहले भी डाला था। अब हरे वाले प्याज को थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से और 1 टमाटर कटा हुआ डाल देंगे। आपस में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हमारा चाउमीन बनके तैयार है। अब इसे हम गर्मा गर्म 1 प्लेट पे सर्व करेंगे। देखिए बाजार जैसा चाउमीन हम घर पे बना के तैयार कर लिए हैं। तो अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।